जनवरी में जयपुर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा रहता है। लाखों लोग मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाते हैं। इस समय फसल की कटाई का मौसम शुरू होता है और ये उसी का त्योहार है। नजारा सुंदर है लेकिन पक्षियों के लिए बड़ा खतरनाक है, लेकिन भूपेंद्र पारेता जैसे लोग उन्हें बचा रहे हैं। बर्ड अभी आपके पास ही रखा है? ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं, बस आपके पास थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। 23 साल के भूपेंद्र जयपुर के एक संगठन रक्षा के लिए काम करते हैं, जो घायल परिंदों और दूसरे वन्य जीवों की देखभाल और उनके पुनर्वास में लगा है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर मानसरोड से ही बर्ड की रेस्क्यू कॉल है। उन्होंने बताया कि रात को आके बर्ड गिर गई थी और अभी ये बिल्कुल फ्लाई नहीं कर पा रही है। सर्दियों में जब हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं तो भूपेंद्र के पास और ज्यादा कॉल्स आने लगती हैं। वो 7 साल से रेस्क्यू वॉलंटियर का काम कर रहे हैं। ऐसे नन्हे मरीजों की देखरेख करने का उन्हें बहुत अनुभव है। कब आया था आपके पास? कल शाम को। ओहो। इस कबूतर के पंख में गहरा घाव हो गया है, पूरा मांझे से लगा हुआ है। चीनी मांझा पतंग उड़ाने में काम आता है। मांझा यानी पिसे हुए कांच के लेप से तैयार डोर। प्रतिबंध के बावजूद उसका इस्तेमाल जारी है। सुशील जैसे निवासी अक्सर पतंग के मांझे से पक्षियों को घायल होते हुए देखते हैं। कल हम अपने शोरूम पर थे, तभी मैंने देखा कि कबूतर के गर्दन के आसपास एक धागा लिपटा हुआ है और वो लहूलुहान हो गया था। देखिए, सब जगह खून ही खून है। मैंने उसे उठाया और कपड़े में लपेट कर यहाँ रख लिया। शुक्रिया कि आज सुबह आप आ गए और इसकी जान बच गई। मकर संक्रांति पर 4 दिन के पतंग महोत्सव के दौरान पक्षियों को बचाने वालों के पास 700 से 800 फोन आ जाते हैं। वैशाली से भूपेंद्र के पास मांझे से घायल पक्षियों को बचाने की ट्रेनिंग है। टाइम पे मैं आया था जब मुझे भी इस तरह से सिखाया गया था कि बर्ड को किस तरह से हैंडल करना है, और बर्ड अगर एक्टिव है, वो उछल कूद कर रहा है, भाग रहा है, वो पैन में है तो वो इधर उधर उछलेगा कूदेगा, कोई उसको नहीं पता कि वो किस अकॉर्डिंग अपन उसको किसके लिए लेके जा रहे हैं। तो वो सब कुछ आइस कवर करना, बर्ड को टाउल से हैंडल करना, वो सब कुछ पहले हम सिखाते हैं शेल्टर पर जो न्यू वॉलंटियर आते हैं। उनकी कोशिशों के बावजूद पतंग की डोर से घायल हर पक्षी जीवित नहीं बचता। पशु अधिकार समूह पेटा भारत का कहना है कि मांझा हर साल हजारों पक्षियों को मारता है या अपंग बना देता है। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना ने रोहित को 2003 में एक पक्षी बचाव एनजीओ की स्थापना के लिए प्रेरित किया। मैं अपने स्कूटर पर जा रहा था और मेरे ठीक आगे एक पक्षी आ गिरा। मैं उसकी मदद ही नहीं कर पाया, वो मर गया। मैंने उसके बच जाने की दुआ भी की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे बड़ा खराब लगा और मैंने सोचा इस बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। अगले ही साल से हमने बचाव का काम शुरू कर दिया। पक्षियों को सिर्फ पतंग महोत्सव के दौरान ही खतरा नहीं होता, लगातार फैलता शहर भी परिंदों पर दबाव डाल रहा है। कंक्रीट के इस जंगल के विस्तार ने कुदरती बसेरों का अतिक्रमण किया है। पक्षियों के पास घोंसले या खाने की जगहें कम हो रही हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60% पक्षी प्रजातियां घट रही हैं। ये रुझान चिंताजनक है क्योंकि पक्षी बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। They're very helpful in cross-pollinating. क्रॉस-पॉलिनेशन में पक्षी काफी मददगार होते हैं और कीट पतंगों की आबादी पर काबू पाने में हमारी मदद भी करते हैं। अगर आप टिड्डी दलों को देखें तो वो जहां जाते हैं वहां खेत के खेत तबाह कर देते हैं। अगर उन टिड्डी दलों को खाने वाले पक्षी होंगे तो टिड्डियों से होने वाला नुकसान काबू में आ जाएगा। डैमेज कॉज्ड बाय द लोकस्ट्स कुड बी कंट्रोल्ड बाय द बर्ड्स आल्सो। रक्षा के मुताबिक उसने 13,000 से ज्यादा पक्षियों को बचाया है। अस्पताल की तरह उसकी टीम पहले अपने मरीजों के घाव देखती है और फिर तय किया जाता है कि सर्जरी की जरूरत है या नहीं। ठीक होते ही पक्षियों को छोड़ दिया जाता है।
छोड़ने से पहले हम चेक करते हैं कि पक्षी किस ऊंचाई पर उड़ रहा है, क्या वो ऊंची जगह पर बैठ पा रहा है, अपनी स्वाभाविक हरकतें कर पा रहा है। पूरी तरह से स्वस्थ ये शिकारी परिंदा अब रक्षा की पनाह से उड़ान भरने को तैयार है। अपने मरीज को पंख फैलाए फिर से आसमान में उड़ता देखना उसे बचाने वालों के लिए एक भावुक पल है।